सो देखिए कैसे ये सीताफल पक चुका है और हम इसे बाहर निकाल रहे हैं। ये देखिए पूरी तरह से पक चुका है, ये कैसे फट गया, और इसको थाली में अलग करके रख दे रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब राय ब्लॉग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अगर मेरे यूट्यूब ब्लॉग चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो में सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए आज हम दिखाएंगे कि आप लोगों को सीताफल को आग में पकाकर किस तरह खाया जाता है। हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि सीताफल को पानी में उबालकर कैसे खाया जाता है। सो है गाइस, आज हम दिखाएंगे कि सीताफल को आग में कैसे पकाकर खाया जाता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो मेरा वीडियोस में बने रहें और वीडियोस को अंत तक देखें, बहुत ही दमदार होने वाला है ये वीडियो। तो है गाइस, ये देखिए शरीफा है जिसको हम लोग सीताफल भी कहते हैं और इसे लोकल भाषा में शरीफा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए हम लोग कितना सारा यहाँ तोड़ के लाए हैं और इसे अभी आग में पकाने वाले हैं। ये देखिए हम लोग का यहाँ आग रेडी हो चुका है और यही आग में इसको पकाएंगे और खा के बताएंगे कि पका हुआ सीताफल खाने में कैसा स्वाद लगता है। हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि इसको उबाल करके किस तरह खाया जाता है, आज हम दिखाएंगे कि इसको आग में कैसे पकाया जाता है और कैसे खाया जाता है। देखिए शरीफा कच्चा है और इसे अभी हम लोग आग में पका करके खाएंगे और पका करके बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा लगता है खाने में। ये देखिए अभी कच्चा है और इसे पेड़ से तोड़ के लाए हैं, और भी बहुत सारा है। ये देखिए थाली में रखे हैं कितना सारा। तो अभी हम लोग देखिए यहाँ आग तैयार हो चुका है, ये देखिए आरती जला रहा है आग, और यही आग में अभी हम ये सीताफल को पकाने वाले हैं। ये हम लोग का आग रेडी हो चुका है और ये जो शरीफा है सीताफल को हम देखिए आग में कैसे इसको डाल रहे हैं अंदर। ये जितना भी है हम इसको आग में डाल रहे हैं और पकाने जा रहे हैं अभी। ये देखिए सब आग में इसको कैसे डाल दे रहे हैं चारों तरफ, और ये पक जाएगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है पका हुआ ये शरीफा। तो देखिए हम कैसे आग में इसको तोप दिए और ये जो आग का अंगार है इसके ऊपर में ढक देते हैं जितना भी अंगार है ताकि ये जल्दी पके। तो देखिए कैसे हम इसको तोपा दे रहे हैं ये अंगार को, और ये देखिए हमारा यहाँ शरीफा किस तरह आग में पक रहा है। साथ में ये देखिए मेरा मम्मी भी है जो कि पका रहा है, और ये देखिए मेरा मम्मी आग को ऊपर में रख रहा है ताकि ये जल्दी अच्छा से पके। और साथ में देखिए आरती भी है, यहाँ आरती भी लगा हुआ है ये शरीफा को पकाने में। ये देखिए बोड़ाल को हम लोग कैसे आग में पका रहे हैं, जिसे हम लोग शरीफा कहते हैं और इसे सीताफल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये यहाँ आग जलाया है और आग के अंदर जो हम लोग सीताफल अभी दिखाए थे कच्चा वाला उसको ये आग के अंदर डाला गया है और इसके अंदर पकने के लिए दिया गया है अभी। और ये देखिए कैसे धुआं उठ रहा है ये आग में, और ये अभी पक रहा है हमारा शरीफा। और ये देखिए धीमी धीमी गति से ये मेरा शरीफा यहाँ पक रहा है, और यहाँ देखिए आग मेरा जल रहा है कैसे, और ये देखिए आरती कैसे आग को जला रहा है ताकि जल्दी पक सके। और इसके अंदर ही हम लोग अभी ये सीताफल को डाले हैं पकने के लिए। ये देखिए सीताफल आधा आधी पक चुका है हम लोग का। ये देखिए इसका रंग किस तरह कलर हो गया है, आगे कच्चा था तभी किस तरह दिखता था, और यहाँ देखिए आधा पक चुका है तो देखिए इसका कलर चेंजिंग हो गया है, और अभी बहुत सारा है जो कि पकना बाकी है। ये अभी आधा पका है और अभी पकना बाकी है। ये देखिए कैसा कलर हो गया है, और अभी अंदर है और भी पक रहा है धीरे धीरे, कुछ क्षणों के बाद ये पूरी तरह से पक जाएगा। और ये देखिए हमारा शरीफा ये कैसे पक रहा है धीरे धीरे, ये देखिए एक साइड पक चुका है। ये देखिए पक के इसका जो कलर होता है किस तरह हो गया है, आगे किस तरह जब हरा कच्चा था तब हरा लग रहा था देखने में, और अब जो पक चुका है इसका देखिए कलर बदल गया है, और यहाँ भी देखिए ये भी आधा पक गया है, और जितना भी दिए थे हम वो धीरे धीरे पकने ही जा रहा है। तो और इधर भी देखिए ये वाला भी पक गया है, कितना सुंदर लग रहा है।
और कुछ ही क्षणों के बाद हम लोग जितना भी यहाँ डाले थे ये सीताफल को ये पक जाएगा और खा के बताएंगे कि इसका स्वाद किस तरह लगेगा खाने में। तो देखिए यहाँ धीमी धीमी गति से किस तरह आग जल रहा है और यहाँ हम लोग का देखिए जो शरीफा है वह पकने ही जा रहा है। ये देखिए ये भी पक गया है, कितना सुंदर, यह अभी गर्म है और इसका देखिए रंग किस तरह हो गया है। सो देखिए कैसे ये सीताफल पक चुका है और हम इसे बाहर निकाल रहे हैं। ये देखिए पूरी तरह से पक चुका है, ये कैसे फट गया और इसको थाली में अलग करके रख दे रहे हैं और जो जो पका है वो सबको अभी हम भी बाहर करने वाले हैं। और ये बड़ा वाला भी ये भी पक चुका है, इसको देखिए हम हाथ से उठा रहे हैं, बहुत गर्म है। और ये भी देखिए पक चुका है और ये कैसे फट गया है, ये देखिए पूरी तरह से पक चुका है, इसको भी अलग कर रहे हैं। और भी है तो अभी निकालने वाले हैं इसे। और ये भी देखिए पक चुका है तो इसको भी हम उठा ले रहे हैं, बहुत गर्म है। और देखिए यहाँ रख दिए जितना भी पका हुआ है, ये देखिए थाली में रख रहे हैं। ये देखिए पूरी तरह से ये सीताफल आग में पक चुका है। देखिए सीताफल हम लोग का फाइनली आग में पक के रेडी हो चुका है। ये देखिए इसका कलर किस तरह हो गया है, ये पूरी तरह से पक गया है और इसे हम अभी खाने वाले हैं। तो देखिए ये आरती को दे रहे हैं एक और हम खा रहे हैं, देखिए इसको अभी फोड़ रहे हैं। वाह, और इसमें देखिए किस तरह धुआं उठ रहा है, ये गर्मा गर्म पक चुका है और अभी हम खाएंगे और खा के बताएंगे कि इसका स्वाद किस तरह लगे खाने में। बहुत ही सुगंधित लग रहा है, जो पका हुआ है बहुत ही सुगंध कर रहा है और देखिए गर्मा गर्म है, किस तरह धुआं उठ रहा है इसके, जिसका बीच निकला उसको फेंक देना इस तरह, और जो सफ़ेद प्रकार का है उसको खाना है। ये पूरी तरह से पक गया है, देखिए कि इसका बीज को नहीं पार करना है, इस तरह बिकना, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है खाने में। अगर आप इस तरह का सीताफल आग में जला करके नहीं खा रहे हैं, पका करके नहीं खा रहे हैं तो ज़रूर खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। देखिए किस तरह खा रहे हैं, देखिए कितना सुंदर ये धुआं उठ रहा है, गर्मा गर्म है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर तरीका से ये पक चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में। और देखिए साथ में मेरा मम्मी भी खाएगा, ये देखिए मम्मी आई है, देखा भी नहीं। देखिए मेरा मम्मी भी किस तरह खा रहा है ये शरीफा जो अभी हम लोग आग में पकाए हैं। गर्मा गर्म है, बहुत ही मस्त लग रहा है खाने में। आग में पका हुआ चीज बहुत ही सुंदर लगता है खाने में। कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अगर आप इस तरह नहीं खाए हैं पका करके तो ज़रूर खाइए, बहुत ही बेहतरीन लगता है खाने में। देखिए इसके अंदर बीज निकला तो ये बीज को इस तरह फेंक देना है और ये सफ़ेद प्रकार का जो अंदर में है गुदा उसी को खाना है। और देखिए सीताफल के अंदर कितना सारा बीज निकला दाना, और ये देखिए हम लोग नीचे रखे हैं गिरा करके और इसे साफ़ कर देंगे। यहाँ देखिए कितना थाली में और कितना खाली हो चुका है खा करके हम लोग जो आग में पकाए थे सीताफल को। बहुत ही सुंदर तरीका से पका है ये आग में जल के और बहुत ही अच्छा लग रहा खाने में। देखिए इसका बीज काला काला है, इसको नहीं खाना है, इसको बीज देना है। तो मेरा वीडियो किस तरह लगा, आज हमने इस वीडियो में देखा है कि
सीताफल को आग में जलाकर आग में पकाकर किस तरह खाया जाता है। तो मेरा वीडियो किस तरह लगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं इस तरह का वीडियो आप सबको दिखा सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।